तो देखिए, मिशन चंद्रयान को अगर देखा जाए तो चंद घंटों का वक्त बाकी है, जो लगातार आप देख रहे हैं। इस घड़ी पर लोगों की नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और मिशन चंद्रयान पर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की। शेड्यूल के मुताबिक ही ये मिशन जारी रहेगा। तो देखिए, तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी, ये कहा जा रहा है। शेड्यूल के मुताबिक ही मिशन जारी रहेगा। इससे साफ ये हो जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है मिशन चंद्रयान पर। बहुत बड़ी खबर आप जान लीजिए, खुशखबरी है, तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी कोशिश। और देखिए, इसरो ने जारी की चांद की नई तस्वीर। एक नई तस्वीर, लेटेस्ट फोटो सामने आई, आपको दिखाते हैं। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई तस्वीर आपके स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। कल शाम, ये देखिए आप, कल शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी। और इसरो की तरफ से ये कहा गया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तय समय के मुताबिक ही, यानी कि कल शाम को 6:04 पर ही चांद पर लैंडिंग करवाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। ये तस्वीर जो ली गई ताजा, वो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। तो बिल्कुल, चांद का सबसे नया वीडियो देख लीजिए, 70 किलोमीटर की ऊंचाई से कैप्चर किया गया है। ये सबसे नई तस्वीर है, खासकर साउथ पोल, जिसे सबसे अनडिस्कवर्ड पार्ट ऑफ मून कहा जाता है, वहां से ये तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ये कैप्चर किया गया है और कुल 23 किलोमीटर और कवर करना है चंद्रयान 3 को, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो चलिए, आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे। श्रीनिवास हमारे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़े हैं, अहमद बिलाल दिल्ली से जुड़े हैं, रौनक कुकड़े मुंबई से लाइव हैं, मनीष शर्मा जयपुर से हैं, वीरेश पांडे लखनऊ से हैं। जगह जगह चंद्रयान को लेकर के जिस तरीके की एक्साइटमेंट है, जिस तरीके से लोगों में पूजा पाठ का दौर चल रहा है और साइंस यानी विज्ञान अपना काम कर रहा है, इसीलिए सीधा रुख करेंगे श्रीनिवास का बेंगलुरु से। जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि आपने अपडेट भेजा, हमने दर्शकों को बताया कि अभी तक ऑल वेल चल रहा है चंद्रयान के साथ। देखिए, अभी जो इसरो ने तुरंत जानकारी दी है, इस जानकारी के मुताबिक जो चंद्रयान है उसके रेगुलर चेकअप्स चल रहे हैं और ये भी जानकारी दी गई कि सब कुछ जैसा तय है उस हिसाब से चल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से चंद्रयान अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीर भेजी गई है, तो चंद्रयान से कौन सी तस्वीर किस कैमरे से आती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार ये तस्वीर LDPC जो एक कैमरा लगा है, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंडर डिटेक्शन पोजीशन कैमरा, लैंडर डिटरमिनेशन पोजीशन कैमरा। इस कैमरे के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि लैंडर कौन सी लैटिट्यूड पे है, लॉन्गिट्यूड पे है, यानी कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन उस कैमरे से पता चलती है। और ये पहली तस्वीर है जो उस कैमरे के थ्रू MOX यानी मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो में प्राप्त हुई। और उसके बाद इसरो की जानकारी के अनुसार जो इसरो ने जानकारी दी, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद वैज्ञानिकों के बीच हर्ष की एक लहर है, उत्साह है तमाम लोगों में, क्योंकि जो जैसा चलना चाहिए था, ऑल इज वेल ऑल सेट, उसी तरह से सारी चीजें चल रही हैं। और अब तो LDPC कैमरे से भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। और इसका मतलब है कि जिस कैमरे का जिक्र आप कर रहे हैं, चांद की जो साउथ पोल पर लैंड होना है चंद्रयान 3 को, वो जगह मुफीद कौन सी होगी, वो कौन सी जगह जहां पर लैंड करना है, ये भी पता क्या इसी कैमरे से वहां पर लगाया जाएगा? अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इस तस्वीर में अलग अलग तरह के कुछ अक्षर आपको उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम जो जगह हैं, इनका नाम इसरो के द्वारा नामांकित किया गया है। ये कुछ क्रेटर्स हैं, आप देखेंगे दो क्रेटर्स के बीच एक प्लेन सी जगह दिखाई दे रही है। ये वही जगह है जहाँ पे ये डिटरमाइन तय किया गया है कि इस इलाके में चंद्रयान को उतारा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब चंद्रयान अपने उस जगह को ढूंढ रहा है, जो जगह उसके लिए तय की गई है जहाँ उसे उतरना है। ये जो कैमरा है, इस कैमरे की ये पहली तस्वीर है और ये इंगित करता है कि अब चंद्रयान बहुत तेजी से अपनी उस जगह को तलाश रहा है जहां पे उसे लैंड करना है। हालांकि अब ये जरूरी भी है क्योंकि वक्त महज कुछ घंटों का ही रह गया है, तकरीबन 24-25 या आप कह
28-30 घंटे का वक्त रह गया है, तो अब ये तमाम कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे हर्ष की बात ये है कि जिस तरह से इसरो ने सोचा था उस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, और ये भी बताया गया है कि जो रेगुलर चेकअप्स हैं वो लगातार जारी हैं, लगातार चंद्रयान के रेगुलर चेकअप्स किए जा रहे हैं, जिसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आ रही है। और अभी जो हालिया चेकअप्स हैं उसके अनुसार लैंडर जो है वो अपने पुख्ता हालात में है। इसरो जिस तरह से लिखते हैं, उनके लिखने का जो तरीका है उसमें वो लिखते हैं कि ऑल इज गुड एंड लैंडर्स हेल्थ इज फाइन। इसका मतलब ये सब बड़ी कुछ बात है, और लैंडर ये जो बड़ी है, बात है, क्योंकि देखिए तकनीक ऐसी है कि जैसे लूना 25 के केस में हमने देखा कि जैसे ही तकनीकी खामी आई ये पता चल गया था कि चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन अभी तक लैंडर विक्रम के साथ सब कुछ ठीक है। ये बड़ी बात है, और इसी बड़ी बात को पूरा देश समझ रहा है। अहमद बिलाल के पास हम सीधे लिए चलते हैं दिल्ली से, जहां एक तरफ अपना काम तो कर रहा है विक्रम, लेकिन पूरे देश में इस वक्त पूजा पाठ का दौर, कई तरीके की तस्वीरें, राजधानी से क्या माहौल है अहमद? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हूं, और जिस तरीके से पूरे देश में दुआएं मनाई जा रही हैं कि जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर ले चंद्रमा की सतह पर। फिलहाल देखिए यहां पर जो एक एग्जीबिशन लगाया गया है नेहरू प्लेनेटोरियम की तरफ से, शुरुआत से ही समझाया गया है ताकि जो दर्शक आएंगे इस इतिहास का गवाह बनने के लिए उन्हें समझ में आए कि आखिर कल क्या खास होने वाला है। तो ये सबसे पहले GSLV मार्क 3 जिसकी जब ये मिशन की शुरुआत हुई थी इसी रॉकेट से जो है जो लैंडर है वो गया था, और उसके बाद जो प्रोपल्शन मॉडल है, फिर उसके बाद जो विक्रम लैंडर है, और उसके बाद आखिर में जो प्रज्ञान रोवर है जो कि चांद की सतह पर जाएगा और जो चांद की सतह पर जो मौजूद तत्व हैं, वैज्ञानिक तत्व, उनकी जांच करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा जी मौजूद हैं यहाँ पर प्लेनेटोरियम की, वो हमें बेहतर समझा सकती हैं। मैम, ये जो एग्जीबिशन आप लोगों ने लगा रखी है ये किस तरीके से आप लोग आशा कर रहे हैं कि जो लोग आएंगे उनको बेहतर तरीके से? जी बिल्कुल, हमने पूरा अगस्त का महीना प्लानिटेरियम ने चंद्रयान की सफलता को सेलिब्रेट करने में बिताया है। निरंतर हमने स्कूल के बच्चों के साथ वर्कशॉप के माध्यम से इस मिशन के साथ उनको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग इस मिशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, वो हमें ये बताएंगे कि जो हम लोग बात भी कर रहे थे पहले कि जो आखिरी के जो 15 मिनट होंगे यानी कि जब लैंड करने वाला होगा लैंडर विक्रम लैंडर, तो वो किस तरीके से खास रहेंगे? सर लास्ट चंद्रयान 2 में जो आखिर के 15 मिनट हुए थे उसमें कुछ ग्लिच आ गए थे, लेकिन इस बार क्या इसरो की तरफ से सारी तैयारियां जो है वो पुख्ता कर ली गई है? बिल्कुल, नाउ ऑल आईज आर ऑन दिस लैंडर, विक्रम लैंडर। जब कल अराउंड 6:45 में इसके लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ये चार स्टेज में कंप्लीट करना है इसको। तो फर्स्ट स्टेज में जो है ना वो उस टाइम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, सो अराउंड 1600 किलोमीटर पर सेकेंड। वहाँ से लेके वो जब फर्स्ट स्टेज जो हार्ड ब्रेकिंग करेंगे वो ऐसे आएंगे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं जाएंगे। 30 किलोमीटर ऊपर है लेकिन 30 किलोमीटर वर्टिकली नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज जो वर्टिकल जो हार्ड ब्रेकिंग है इसमें हॉरिजॉन्टली ये 30 किलोमीटर से 7.42 किलोमीटर पे आ जाए। अभी तक तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसरो के प्लान के मुताबिक चल रही है, उम्मीद यही है कि आगे भी कुछ इसी तरीके से ही चलेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिलाल। और देखिए अलग अलग हिस्सों से लोगों की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कल शाम के 6:04 का वक्त हो और ये खुशखबरी लोगों को मिले कि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की। सीधे आपको मनीष शर्मा के पास लिए चलते हैं, जयपुर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, वहां पर क्या तैयारी कल के दिन को लेकर, कितने उत्सुक हैं जयपुर के लोग, जरा बताइए। बिल्कुल, जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है, और अभी अभी आपने चंद्रयान 3 का जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया उससे भी इस लोगों का उत्साह बढ़ रहा है कि चंद्रयान बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, यानी अब विक्रम को विज्ञान और वरदान दोनों की ज़रूरत है। ये तमाम लोग हैं जिनमें फैकल्टी भी है, स्टूडेंट्स भी हैं। पहले एक स्टूडेंट के पास चलूँगा मैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी क्या कहेंगे? हम इस उत्साह में एक गाना प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना, देश है दुनिया का गहना। जी तो ये देश है वीर जवानों का। मैडम क्या लगता है आप लोगों ने क्या तैयारी की है? स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हैं कल के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, और देखिए कल जैसे ही चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी हमारे रोवर की, और जैसे सब जानते हैं कि रशिया का लूना जो है वो क्रैश हो चुका है,
सो हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। स्टूडेंट कितने उत्साहित दिख रहे हैं आप? काफी उत्साहित हैं और सब सेलिब्रेट करने की तैयारी में हैं। आप ये बताएं कि मैडम आप लोगों ने क्या खास तैयारी की, कोई यज्ञ हवन पूजा? बिल्कुल बिल्कुल सर, कल हमारे यहाँ पे एलईडी स्क्रीन्स लग जाएंगे जिससे बच्चे जो हमारा उत्साह है वो डबल हो जाए, प्लस यज्ञ भी करवाएंगे और बिल्कुल सब। मैडम आपने क्या सोचा, क्या तैयारी? सर जैसा कि बताया गया लाइव स्ट्रीमिंग होगी कल, हमारे स्टूडेंट्स हम टीचर्स सब लोग मिलके साथ में देखना चाहेंगे और आफ्टर पार्टी करेंगे इफ इट हैपेंस सक्सेसफुली। पार्टी भी होगी जी। सर आपको फिजिक्स के हैं, आप बताइए हम एलईडी स्क्रीन पर सभी को लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा चंद्रमा पे रिसर्च के लिए। नहीं कि क्या वहाँ मनीष आदमी रह सकता है? ये बड़ा मिशन है, पूरी दुनिया जब देख रही है तो ऐसे में जो अपने देशवासी हैं वो अपनी टीम के लिए चेयर क्यों ना करें, और इसीलिए जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। एबीपी न्यूज पर हमारे साथ सहयोगी और एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। तो देखिए लगातार काउंटडाउन जो चल रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं, 28 घंटे 43 मिनट और 38 सेकंड, क्योंकि सेकंड लगातार घटते जा रहे हैं और जो है काउंटडाउन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कल का इंतजार है, कल शाम को 6:04 का वक्त है स्नेहा, जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी और बेसब्री से इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान, यकीन मानिए दुनिया की नजर है। हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं, अमिताभ पांडे जो है स्पेस साइंटिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौम्या दत्ता साहब हैं स्पेस साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले अमिताभ जी एक बार फिर से आप ही का रुख कर रहे हैं सर, सभी के दिल में, मैं भारतीय के दिल में कहूँ जितने भारतीय हैं उनके या फिर जितने भी लोग इस वक्त हिंदुस्तान पर नजरें गढ़ाए बैठे हैं वो सभी ये जानना चाहते हैं कि चांद पर ये जो लैंडिंग होती है वो कैसे होती है, धरती पर बैठे वैज्ञानिक इसको कैसे कर लेते हैं, सर जरा बताइए इस प्रोसेस को। इसको जो लैंडिंग की बेसिकली दो प्रोसेस होती है, पहला तो ये होता है कि कोई भी स्पेस मिशन है जैसे हमारी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रही हैं तो उनकी एक खास रफ्तार होती है, जैसे कोई भी हमारी सबसे क्लोजेस्ट सैटेलाइट होती हैं वो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती को ऑर्बिट करती है। अब अगर स्पीड को हम कम कर देंगे तो नीचे आएगा, स्पीड बढ़ा देंगे तो ऊपर बढ़ता जाएगा, उसके बाद धरती की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाएगी। इसी तरह चंद्रमा में जो हमारा भी जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ये जो घूम रहा है इसकी रफ्तार को 70 से कम करनी, जैसे स्पीड कम होगी ये नीचे आता जाएगा। तो बेसिकली ओरिएंटेशन जैसे अभी ऐसे जा रहा है तो इसके रॉकेट के जो पीछे रॉकेट फायर कर रहा है इसको उल्टा घुमा के जिस रफ्तार डायरेक्शन में स्पेसशिप चल रहा है हमारा लैंडर चल रहा है उसको पूरा घुमा के जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके अपोजिट फायरिंग करते हैं, उससे क्या होगा उसकी रफ्तार कम होगी, जैसे रफ्तार कम होगी वो धीरे घूमता हुआ और पास आता जाएगा और पास आता जाएगा, तो लगातार इसकी स्पीड कम करने से इसकी सतह से दूरी कम होती जाएगी। दूसरा काम ये होगा अब इस लैंडर को सीधा करना, तो उसके लिए इसके एटीट्यूड कंट्रोलर जो है और उसमें खास तौर पर इसमें जो लेजर का स्पेशल सेंसर लगा हुआ है, लेजर डॉपलर जो वेलोसिटी मीटर है, एक लेजर अल्टीमीटर भी जो ऊंचाई को ठीक ठीक नापता रहेगा, इसमें कैमरा लगा है एक हॉरिजॉन्टल मोशन को मेजर कर डिटेक्ट करता है, दूसरा एक कैमरा नीचे टेरेन को भी देख रहा होता है कुछ टेरेन में क्या चीज है वहां पर कहां पर लैंड करना है, दूरी कितना दूर रह गया, तो इन सारी चीजों को इसके कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पहले से उनमें फीड किए होते हैं और अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ रही है कि इसके ऊपर जो हमारा जो कहना चाहिए जो ऑर्बिटर घूम रहा है, दो ऑर्बिटर मौजूद है लकीली, एक पुराना ऑर्बिटर भी वही मौजूद है और चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर भी, इससे उसको सिग्नल जाएंगे और वहां से जो हमारे कंट्रोल रूम है वैज्ञानिक जो इंजीनियर बैठे हुए हैं उनको डाटा मिलता रहेगा। इमरजेंसी के बचाव के मामले इमरजेंसी आती है उसके लिए भी इसके सॉफ्टवेयर में इसमें जैसे कि रिडंडेंसी होती है, एक में अगर दिक्कत आ रही है तो दूसरा उसको टेकओवर कर लेगा, करते हुए लगातार करेक्शन करते हुए इसकी हाइट को कम लाते हुए और दूसरा उसको धीरे धीरे सीधा करते हुए इसको सीधे सीधे लगभग मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे जब पहुंचेगा उसको नीचे उतारा जाएगा। बिल्कुल अमिताभ जी, ये आपने बताया कि किस तरीके से उसे सरफेस पर साउथ पोल पर उतरना है। सौम्या आपसे सवाल ये है कि साउथ पोल किसी ने देखा नहीं है लेकिन हाँ एंटीसिपेट जरूर किया है, ये माना जरूर है कि तापमान कैसा होगा, वो सरफेस कैसी होगी, ये तमाम चीजें अगर पता होंगी तभी तो लैंड कराई जाएंगी। इसे किस तरीके से देखा जाता है? हम लोग जब तस्वीरों में देखते हैं कुछ ब्राउन सा स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली क्या मेजरमेंट या स्टैंडर्ड है? सर आवाज आ रही है आपको? समय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरा तो आवाज आ रहा है, किसको पूछ रहे हैं? मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी जी, समय जी आप ही से सवाल है कि जिस सरफेस पर उतरना है उसके टेम्परेचर से लगाए, उसके टेक्सचर से लगाए, क्या क्या चीजें ऑलरेडी पता है? देखिए
इसमें जो साउथ पोलर रीजियन में, हम साउथ पोल में तो लैंड नहीं कर रहे, साउथ पोलर रीजियन में लैंड करेंगे, इसको बहुत फोटोग्राफ्स, बहुत सारे सेंस, मैंने जो सेंसर्स इसके पहले लिया गया है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे भी इसका पूरा चित्र लिया गया, डिटेल मैपिंग हुआ है। तो एक तरीका से कहाँ लैंड करेगा चंद्रयान 3 का लैंडर, जो लैंड करेगा वो हमें उसका जियोग्राफी टोपोग्राफी पूरा पता है, हाँ उस एक तो क्लियर है, क्योंकि बिना इसको जान के आप इतना रिस्क की मिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा इसका मोरल लिस्ट, टेम्परेचर क्या है, बाकी क्या क्या इसको फीचर है, ये बहुत बिल्कुल सच्ची है। साउथ पोलर रीजन में हम लैंड कर रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं, और ये बहुत क्रूशियल वक्त है, लगातार सभी की निगाहें, दो मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे तमाम साथी भी लगातार आपको, लोगों की उत्सुकता दिखा रहे हैं, लोग कितने उत्सुक हैं और कल को लेकर कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए। तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का काउंटडाउन ऑन है और लैंडिंग की तैयारी अगर देखी जाए आखिरी दौर में है, करीब 30 घंटे का वक्त है, इसके बाद चंद्रयान 3 की कामयाबी वो इबारत लिखने जा रही है जो इतिहास रच देगा। बिल्कुल, और बड़ी खबर जान लीजिए, मिशन मून को कामयाब बनाने के लिए, चंद्रमा पर लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं और पूरा हिंदुस्तान, ये देख लीजिए आप, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। सबको यकीन है कि अब की बार हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर तिरंगा फहरा कर ही रहेंगे, और इस विश्वास को और ज्यादा पक्का करने के लिए देश में दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। ये प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं आप, हवन पूजन यहाँ पर किया जा रहा है सफल लैंडिंग को लेकर। मुंबई में पूजा का दौर सुबह से ही चल रहा है, वाराणसी में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है ताकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाए। तो पूरे देश में किस तरीके की रौनक है, किस तरीके का माहौल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे तमाम सहयोगी कई लोकेशन से बने हुए हैं, हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ। सहयोगी वीरेश पांडे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लखनऊ वाले किस तरीके से चंद्रयान के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर जिस तरीके से इसरो ने तैयारी कर रखी है उससे ज्यादा उत्साहित होकर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ के जो वैज्ञानिक हैं, उनके स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसे भव्य बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाया जाए। और मैडम जो हैं साइंटिस्ट हैं बताएंगी, मैडम किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है नक्षत्रशाला में, जिसको लेकर मैं देख रहा हूँ कि आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि मैं, हम लोग रात भर काम किए और इस वक्त भी काम पे मौजूद। एक्चुअली हमारे इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम में स्टूडेंट्स के लिए क्लब चलता है, यूपी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब। इस क्लब के तहत हमारे 200 से 250 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो लैंडिंग है उसका लाइव टेलीकास्ट जो इसरो कर रहा है वो हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकें, जिससे उनकी अवेयरनेस बढ़े चंद्रयान 3 के बारे में और उनका इससे साइंटिफिक टेम्पर और आगे बढ़े। सरकार भी चाहती है, वैज्ञानिक भी चाहते हैं, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला भी चाहती है, और ये सारे लोग चाहते हैं, देश चाहता है। तो ये सारे स्टूडेंट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बुलाए गए, अन्य जगहों से बुलाए, इन्हें कैसे आप दीक्षित कर रही हैं? इनकी हम लोग अलग अलग टेलीस्कोप्स में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह से टेलीस्कोप्स को ऑपरेट करना है, किस तरह से उन्हें सेटअप करना है। ये स्टूडेंट्स जो हैं ये काफ़ी ट्रेंड है टेलीस्कोप्स के एरिया में। इसके अलावा ये लोग इसरो के जो अलग अलग मिशन होते हैं उनके बारे में स्टडी करते रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं जिस पर काम करते रहते हैं। सर सुमित जी, जिस तरीके से इसरो अपना काम कर रहा है, आप लोग भी साइंटिस्ट हैं लखनऊ में बैठ कर, किस रूप में चंद्रयान 3 के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी वैज्ञानिकता को आगे बढ़ा रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं? कल चंद्रयान 3 पे हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे जो सुबह 10:30 बजे से होगी, कहीं नक्षत्रशाला में उसको आयोजित किया जाएगा, और शाम को हम इसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे जिसमें हम यूपी मैच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब के जितने भी सदस्य हैं उनको आमंत्रित करेंगे और इसमें जनसामान्य भी आमंत्रित होगा। अच्छा, इस अभियान को किस रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, ये देश के लिए कितने बड़े उपलब्धि या सम्मान की बात होगी? ये गर्व की बात है, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो हम चौथे देश होंगे जो चंद्रमा पे जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है अब तक, और
अभी आपको पता ही होगा दो दिन पहले लूना 25 बिल्कुल ठीक है वीरेश, देखिए ये जो वैज्ञानिकों का अलग अलग हिस्सों से भरोसा है, ये भरोसा मेहनत से ही आता है, जो मेहनत इसरो के वैज्ञानिकों ने की उसी के बूते ये भरोसा जागता है देश भर के लोगों का भी और अलग अलग हिस्सों से साइंटिस्टों का भी। श्रीनिवास बेंगलुरु से लगातार बने हुए हैं, वो वहां पर की हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास अभी जानकारी क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, इसरो पल पल की जानकारी भी दे रहा है, तस्वीरें भी साझा कर रहा है और ये बता रहा है कि जो उम्मीद की जा रही है उसी उम्मीद के मुताबिक वहां पर चंद्रयान 3 लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए जिस तरह से इसरो ने अभी जानकारी दी कि ऑल इज वेल, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अभी हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इस ऐतिहासिक पल को एबीपी के तमाम दर्शकों को दिखाएंगी कल जब चंद्रयान का वो वक्त होगा लॉन्चिंग का। पहले आयुषी से ही जानते हैं, आयुषी कितना उत्साहित महसूस कर रही हैं आप? बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, इस वक्त हमारे देश का हर एक वासी उत्साहित महसूस कर रहा है। और एबीपी न्यूज़ भी सुबह से तस्वीरें दिखा रहा है, देखिए चंद्रयान के सफल लॉन्च के लिए जो सब लोग हैं वो अलग अलग तरीके से दुआएं मांग रहे हैं। आपने देखा होगा देश के कोने कोने से कहीं पे लोग यज्ञ कर रहे हैं, कहीं पे जो स्कूल्स हैं वहां पर इंतजाम किए गए हैं, जब सॉफ्ट लैंडिंग का वक्त आएगा उस वक्त उसकी लाइव टेलीकास्ट करवाई जाएगी। और दूसरी तरफ अगर टेक्निकल चीजों की बात करें तो इसरो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि हर वो अपडेट देशवासियों को देने की कोशिश करे, क्योंकि इस वक्त सबके मन में वो क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार अभी आखिरी समय, क्योंकि महज काफी कम घंटे बचे हुए हैं जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो अहम घंटे हैं इस वक्त कैसे काम कर रहे हैं, जो हमारा लैंडर है वो कैसे काम कर रहा है, अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या सफल लैंडिंग होगी, और अगर नहीं होता है तो प्लान दूसरा क्या है। तो इन सब चीजों पर पूरे देशवासी नजर बनाए रखे हुए हैं और पल पल की तस्वीरें एबीपी न्यूज भी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और इस तरीके से हम ग्राउंड की अपडेट तो देते रहेंगे, इनसाइड अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन अब हम लिए चलते हैं मुंबई। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हैं, वो कहां पर मौजूद है मुंबई में इस वक्त ये बताएंगे, और इसके साथ वहां के माहौल, लोगों की जानकारी, जो चीजें हैं वो शेयर करेंगे दर्शकों से। रौनक जी, देखिए मैं इस वक्त मुंबई के वर्ली इलाके में जो नेहरू तारांगण है वहां पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो स्कूली छात्र है और लोग हैं वो यहाँ पर आकर जो कल जिस तरह से चंद्रयान का वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग होना है चंद्रमा पर, उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लंच का टाइम है, लिहाजा कई लोग जो है वो लंच के लिए बाहर गए हुए हैं, और जो अधिकारी है कल की तैयारियों के लिए बैठक कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आपको बता दूं कि न केवल देश बल्कि दुनिया कल के दिन के लिए जो है वो बहुत एक्साइटेड दिख रही है। जो साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद थे कुछ देर पहले जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आखिरी के 15 मिनट है उसी और सभी का ध्यान रहेगा, और दुआ सब लोग ये कर रहे हैं कि मुख्य तौर पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो सके, और जो साइंटिस्ट ने हमारी इतनी मेहनत की है वो कहीं ना कहीं रंग ला सके और भारत का तिरंगा चंद्रमा पर एक बार फिर जो है वो लहराता दिखाए। तो मुख्य तौर पर काफ़ी एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल की आपको यहां पर अपडेट दूं कि कल जो महत्वपूर्ण दिन है उसके लिए मुंबई के इस नेहरू तारांगण में तैयारियां जो है काफी जोरों पर रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है, तमाम तैयारियां भी वहां पर की गई हैं। रौनक आप ये जानकारी दे रहे हैं कल को लेकर, और देखिए तैयारियां तो पूरे हिंदुस्तान ने कर रखी हैं, कल का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं, और वहां पर लोगों को रौनक ये जानकारी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसरो जो जानकारी दे रहा है कि वहां से फोटोज भी आ रही है, फोटोज शेयर की जा रही है, और तय समय पर ही लैंडिंग होगी, इसके बारे में जानकारी वहां के लोगों को है कि सब कुछ ठीक है, मुकम्मल है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर शो देखने के लिए पहुंचे हुए थे, तो जहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस तरह की जानकारी, चूंकि लोग भी उत्साहित है और जानना चाहते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है चंद्रयान 3 और क्या उसकी अभी हेल्थ है, तो न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी वे जानकारी जुटा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग साइंटिस्ट से मिलने के लिए पहुंच रहे वे भी उनको इस तरह की जानकारी दे रहे हैं, तो उत्साह जो है वो लोगों में निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर जिस तरह का उत्साह देखने को मिलता है, कुछ उसी तरह का उत्साह जो है देश भर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, खगोल विज्ञान में इस तरीके की दिलचस्पी पूरे देश के लिए ये अच्छी खबर है, और इसी से जुड़ी अपडेट ये है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए पूरा देश बेकरार है, फिल्मी हस्तियां भी इसी पर टकटकी लगाए बैठी हुई है। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, 23 तारीख को शायद 6:30 बजे शाम को
मून लैंडिंग होने जा रहा है और हमारा छाती जो है चौड़ा हो गया क्योंकि हमारा स्पेस प्रोग्राम मून तक पहुंच गया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया एंड अ ग्रेट अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन द काइंड ऑफ यू नो यू फील दैट प्राइड इन योर हार्ट एंड एज एन इंडियन ऑल ऑफ अस आई थिंक राइट नाउ वी आर वेटिंग टू वॉच इट a lot of people are going to be glued watching it and I'm going to be doing that with my boys as well with bated breath. तो चंद्रयान 3 बहुत ही जल्द यानी कुछ घंटों के भीतर साउथ पोल मून पर लैंड करने वाला है। हमारे साथ साइंटिस्ट बने हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अमिताभ पांडे, सौम्या दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ पांडे का रुख करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि सर सब लोग कह रहे हैं बी पॉजिटिव, ओके हम पॉजिटिव हैं, लेकिन नेगेटिव साइड जाया जाए तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो विक्रम के लिए या इस मिशन के लिए एडवर्सिटी या नेगेटिविटी के फॉर्म में आप देख सकते हैं? देखिए, कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं तो उसके लिए मुश्किलों को हम नेगेटिव नहीं कहते हैं। निश्चित तौर पर मुश्किल काम है कि साउथ पोलर रीजन में अभी तक कोई मिशन उतरा नहीं है। इसके पहले अमेरिका ने अपना एक क्रैश कराया था जानबूझ के चांद पे, जो हमने पानी ढूंढ रहा था चंद्रयान 1 ने उसको कंफर्म के लिए एलक्रॉस। अब हमको सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और तो उसमें सबसे मुश्किल दिक्कतें होती है कि आखिरी पलों में जब वो लैंड कर रहा है वहां का टेरेन हमने पूरा मैपिंग किया हुआ है, डिटेल किया हुआ है, उसमें जरा सा भी अगर फायरिंग में जरा सा कम हो जाए ज्यादा हो जाए तो उसमें मुश्किलें पड़ जाती हैं। तो हमारे अगर थ्रस्टर सही ढंग से काम करते हैं, उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, इसके जो एटीट्यूड को करेक्ट करने वाले जो मोटर्स उनको बोलते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सक्सेसफुली उतरेंगे। फिर भी नई मुश्किलें, नए काम की जो मुश्किलें होती हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए और अगर मान लो गलती होगी तो उसको हम ठीक करेंगे, नहीं तो अगली बार और बेहतर करेंगे। बिल्कुल सर, उससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, जो खामियां रह जाती हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और यही हुआ चंद्रयान 2 से। चंद्रयान 3 में हमने बहुत कुछ सीखा और इसीलिए इतने विश्वास से भरे हुए हैं कि इस बार लैंड तो होकर ही रहेगा। दत्ता सर, आपसे एक मेरा सवाल यह है सर, जो वापस साउथ पोलर रीजन की आप बात कर रहे थे जहां पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है, लैंडिंग के लिए जो सेफ जगह होगी सर वो चंद्रयान 3 खुद ढूंढेगा या फिर इसरो कमांड सेंटर से उसको निर्देश जाएंगे? सर, सर आवाज आ रही है आपको? ये मुझे बोल रहे हैं? जी सर, आप ही से सवाल है सर। हाँ, सुनाई दे रहा है। देखिए, ये तो जो मुझे ही सवाल है तो सवाल एक बार और ठीक कीजिए क्योंकि आपको वॉइस कट रहा था। सर, मैं ये कह रही हूँ जो लैंडिंग की सेफ जगह वहां पर होगी उसको चंद्रयान 3 खुद वहां पर ढूंढेगा या फिर इसरो कमांड सेंटर से वहां पर निर्देश जाएंगे और उसके बाद वो लैंड करेगा? जो लैंडिंग साइट है वो चंद्रयान 2 का मैप से तैयार हुआ है, लेकिन चंद्रयान 3 में ये क्षमता है यदि उस लैंडिंग साइट जो 4.5x2.5 किलोमीटर का है उसमें कहीं बड़ा पत्थर है व कहीं खड्डा है, इस ढंग का चीज को चंद्रयान 3 का कैमरा यानी लैंडर मॉड्यूल का कैमरा और जो हैजार्ड अवॉइडेंस सिस्टम है वो उस जगह का अवॉइड करके उस पूरी क्षेत्र में एक सुरक्षित जगह ढूंढ ले, वो चंद्रयान 3 का लैंडर में ही क्षमता है। लेकिन साथ साथ एक बिंदु मैं जानना एक बोलना चाहूँगा जो बहुत जरूरी है, जो सॉफ्ट लैंडिंग एक फेज है लेकिन साथ साथ विज्ञान के लिए ये बहुत जरूरी है कि सक्सेसफुली रोवर को डिप्लॉय करे, जो प्रोग्राम रोवर यदि चंद्रयान 3 10 से 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से कम में लैंड करेगी तो उसको सारे कुल मिलाकर के लैंडर और रोवर दोनों का सक्सेसफुली उतर करके अपना काम पूरा करना ये बड़ा चैलेंज है और इसके साक्षी पूरे देश में लोग होने वाले हैं। आप सभी का शुक्रिया इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए।